नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग दो के तहत सक्षम युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय। आपको बता दें कि हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अपने वायदे को अनुरूप सरकार ने विभागों में स्वीकृति पदों पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग दो के तहत सक्षम युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई सक्षम युवा योजना की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अपने विभागों में स्वीकृति खाली पदों पर की संख्या, शैक्षणिक योग्यता व चयन मानदंडों सहित सभी सक्षम पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि सक्षम युवाओं को आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग दो के तहत उन पदों पर रेगुलर भर्ती होने तक लगाया जा सके। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से अन्य युवा भी आवेदन कर सकेंगे। पहले चरण में इस निर्णय को ग्रुप सी के पदों पर लागू किया है। युवाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में युवा अपना रोजगार स्थापित कर सके। इससे प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा।